सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है। आप लोगों से मैंने एक चीज़ का वादा किया था और वो चीज़ ये है कि मेरा चैनल इतना डाउन क्यों है, मेरा इतना व्यूज़ क्यों कम आता है। आप लोगों से मैंने वादा किया था मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा। सो वो घड़ी आ चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ कि आखिरकार मेरा चैनल इतना जो डाउन क्यों है, मेरा इतना व्यूज़ डाउन क्यों। एक्चुअली बात ऐसी है ना, मुझे बहुत सारे लोग जो है मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर चुके हैं और यहाँ तक के रिश्तेदार भी पूछते हैं कि भाई तुम्हारा 1 लाख सब्सक्राइबर है लेकिन इतना व्यूज़ डाउन क्यों है। आप लोगों ने देखा होगा मेरा जो व्यूज़ है मैक्स टू मैक्स 400, 500, 700 तक जाता है। मैक्स टू मैक्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर जाके स्ट्रक हो जाता है। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि इसका क्या रीजन है, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर कोई क्रिएटर्स है उसका 1 लाख सब्सक्राइबर, उसका 400-500 व्यूज आएगा तो किसी का ना किसी का माइंड में ये चीज चलेगा ही कि भाई इसका चैनल इतना डाउन क्यों, इसका व्यूज इतना डाउन क्यों है। यही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग तो फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि इसका जो है फेक सब्सक्राइबर है, ठीक है, मतलब मंद गधड़ंग कुछ भी कहानी बन रहे हैं। सो वही चीज का मैं पर्दाफाश करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और मुझे ये वीडियो नहीं लाना चाहिए था क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता हूँ और क्या रीजन है, ठीक है, मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है शुरू से शुरू करेंगे कि आखिरकार क्या रीजन था और क्या मैंने कहां से जर्नी स्टार्ट करा। मैं छोटा सा आपको एक मैं शॉर्ट कहानी बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं जो बनाता था यूट्यूब में जियो फोन का वीडियो, ठीक है, सो मैं जियो फोन का कंटेंट, जो आप लोगों ने देखा होगा जियो फोन का कीपैड वाला फोन, उसका मैं कंटेंट बना के यूट्यूब में डालता था। उसके बाद मैं बनाते गया लगभग 2 साल तक मैंने काम करा। उसके बाद मैंने जियो फोन से ही सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर किया था जियो फोन से ही, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो यार 2 साल तक कोई मेहनत करने के बाद उनको पैसे ना मिले, मतलब मैं कहीं ना कहीं अपने आप को जो एक नीड होने लगी पैसों की, सो मैं सोचा कि चलो यार कुछ करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। सो मैंने शॉर्टकट अपनाया कुछ और कहीं कहीं से मैं अर्निंग किया। उसके बाद फैमिली को बताया, फिर फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। मैं जब 200 रुपीज़ का स्पॉन्सरशिप किया था, उसके बाद मैंने फर्स्ट जो पहली बार जो मैंने महीने का रिचार्ज किया था अपने नेम कमाई से, तो मम्मी को मैंने बताया था तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मम्मी। उसके बाद मैंने मुझे सपोर्ट किया। फिर मैं जो एक स्मार्टफोन लिया, ठीक है, पैसे जुगाड़ करके, ठीक है, अपने पास पैसे नहीं होते थे उतने, ठीक है, सबसे मैंने जुगाड़ किए थे, मामा से, नाना से, मम्मी से, नानी से, सब चीज़ से, सब लोगों से मैंने पैसे इकट्ठे किए। उसके बाद मैंने स्मार्टफोन लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, फ्री फायर का कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसी चैनल पे, ठीक है, जियो फोन का छोड़ दिया, फ्री फायर का कंटेंट बनाने लगा। क्योंकि फ्री फायर उस वक्त जो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में था कि मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों को पता होगा, तो फ्री फायर का कंटेंट डालने लगा। उसके बाद मेरा चैनल एकदम यहाँ से यहाँ तक चल गया, मतलब इतना ज़्यादा बूस्ट मिला ना, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा डाउन था, फिर बूस्ट मिला, फिर वहाँ से जो मैंने 100K सब्सक्राइबर्स कर लिए गेन, ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, फ्री फायर हो गया बैन, इतने ज़्यादा भाई कोई खुश है इतना ज़्यादा ग्रोथ में, या फिर फ्री फायर बैन हो गया। उस टाइम क्या हुआ कि मैं सोचा कि यार भाई फ्री फायर के पीछे इतना मैं दिमाग लगा रहा हूँ, ये बैन हो गया, फ्री फायर मैक्स आ गया था, हालांकि अगर फ्री फायर बैन हो सकता है, फ्री फायर मैक्स भी बैन हो गया तो फिर भाई मैं क्या ही करूँ। मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स को नहीं देख रहा था, मैं अपने आप को देख रहा था। सो मैंने सोचा कहीं ना कहीं ये टाइम वेस्ट है, और फ्री फायर में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, मतलब मैं चैन से खा पी नहीं सकता था, ठीक है, रात रात भर जगना पड़ता था। सो इसलिए मैंने सोचा कि यार भाई हेल्थ को भी थोड़ा केयर करना चाहिए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट कर सकता। सो मैं उस कंटेंट को भी चेंज कर दिया। फिर मैंने क्या सोचा, ब्लॉग डालने का। सो मैंने ब्लॉग डाला, और यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग क्रिएटर्स हो, यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि अगर आप जिस कंटेंट को बना रहे हो स्टार्टिंग से लास्ट तक वही कंटेंट बनाओ। और वही रीजन था मेरा सिल्वर प्ले बटन भी आने का, मेरा वही रीजन था, मैंने कंटेंट चेंज किया था। सो फ्री फायर, फिर जियो फोन, फिर ब्लॉग में आ गया, तो इसीलिए जो मुझे यूट्यूब जो है क्रिएटर्स अवार्ड नहीं दे रहा था, और वही रीज़न था। सो फिर भी वो मिल गया वापस से, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा व्यूज़ डाउन होने का मेन रीज़न यही है कि मैं जो है अपना कंटेंट को चेंज कर दिया, ठीक है, 3-3 बार मैंने चेंज किया। अगर मैं ब्लॉग से फिर अभी चेंज कर दूंगा तो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ डाउन हो जाएगा, ठीक। ब्लॉग में भी तो कुछ रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, रीच भी बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन मेरा मेन रीज़न यही था, मैंने कंटेंट चेंज किया जिसकी वजह से मेरा जो है व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो गया, ठीक है। और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मेरा जो है, मेरा जो चैनल है उस फेक सब्सक्राइबर है, क्योंकि आप लोग जाके देख सकते हो मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो, मेरा जो है मिलियंस में व्यूज़ गए हैं, लाखों में व्यूज़ गए हैं, ठीक है। सो वहाँ से सब्सक्राइबर आए भाई, तो आप लोगों पर कोई भी ऐसा मत सोचो कि मेरा जो फेक सब्सक्राइबर है, सोचने वाले हैं सोचने दो, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। यही था कुछ रीज़न, कुछ स्टोरीज। सो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो सारी चीज़ें डाउट्स जो क्लियर हो गई होगी कि मेरा इतना ज़्यादा व्यूज़ डाउन क्यों है, मेरा चैनल इतना डाउन क्यों है। और हाँ, रही बात कि मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट, सो गाइस, मैं व्यूज़ नहीं देखता मेरा कितना व्यूज़ आ रहा है, मैं बस कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आप लोग देख सकते हो पीछे सेटअप, मैंने इस वीडियो के लिए स्पेशली इस वीडियो के लिए मैं ये चीज़ करा हूँ, ठीक है, और इसको सेट करने में थोड़ा टाइम भी लग गया। सो कोई बात नहीं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हाँ गाइस, बहुत सारे लोग जो ये चीज़ भी सोचेंगे भाई तुम्हारा इतना ज़्यादा जो है व्यूज़ डाउन है तो आप अर्निंग कहाँ से करते हो, भाई इतना ज़्यादा डाउन है तो अर्निंग कैसे कर लेते हो, है ना, डिजिटल मार्केटिंग से किए हैं। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, फॉलो करो मुझे, मैं आपको गाइड करूँगा पर्सनली, मैं आपसे बात
करके आप लोगों को मैं समझाऊंगा, हर एक चीज़ करूंगा। और मैं अपने हर एक स्टूडेंट को कहता हूं, हर एक मेरे टीम में जो भी मेंबर्स है, हर एक लोगों को, हर एक क्रिएटर्स को, हर एक यूट्यूबर्स को मैं यही चीज़ कहना चाहूंगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा गाइस। अगर आप लोग कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला, कुछ भी आपको मज़ा आया, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और वंदे मातरम। एक्चुअली बात ऐसी है ना, करते हैं कमेंट करते हैं गाइस, वीडियो को खराब करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ता, इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, हमको क्या पता तुम वीडियो बना रहे, क्या बना रहे, हम अपने काम में बिजी रहते हैं, देखा ध्यान रहते हैं। हर क्रिएटर के साथ ऐसे ही होता है सच में, कमेंट करना इसके बारे में, स्पेशल कमेंट करना। ठीक।